कार्तिक मास की नियम सेवा के उपलक्ष्य पर हम सब श्रीमन महाप्रभु की कृपा से आज एक बार फिर से श्री वृंदावन धाम में उपस्थित हैं और श्री वृंदावन धाम में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है। मानसिक रूप से तो आप लोग रहते ही श्री वृंदावन धाम में हैं, किंतु आज यहाँ पर आप यहाँ पर आए हुए हैं विशेष रूप से इस चीज़ की और भी बहुत महाप्रभु की कृपा है। ये जो मास है ये विशेष मास है, हम सब जानते हैं और हम सब इसका आस्वादन भी कर रहे हैं, भक्ति के रूप में, भजन के रूप में और श्री राधा रानी की कृपा के रूप में। यहाँ पर आकर के श्री वृंदावन धाम में आकर श्री हरि कथा सुनना ये एक बहुत बड़ा सुयोग है। ये भगवान की कृपा के बगैर, श्री राधा रानी की कृपा के बगैर कभी नहीं हो सकता और ये हमने महसूस किया है पिछले 1.5-2 सालों में। सब कुछ था, पैसा भी, वाहन भी, सब कुछ, लेकिन तो भी हरि कथा सुनेंगे एक साथ बैठकर, भक्तों के साथ बैठकर, ये उपलब्ध नहीं था। भगवान की ऐसी इच्छा नहीं हुई। तो सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, सब ठाकुर जी के हाथ में होता है। आज उनकी इच्छा है तो हम सब साथ में हैं। तो हम लोग इस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी द्वारा रचित स्तवावली के श्री चैतन्य अष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, अनावेद्याम पूर्वेरपि मुनीर गणेर भक्ति निपुणे श्रुतेर गूढ़ाम प्रेमोज्ज्वल रसफलाम भक्ति लतिकाम कृपालुस्ताम गौड़े प्रभुरति कृपा भी प्रकटयन शचि सूनो किम में नयन शरणिम यास्यति पुनः। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही प्यारे परम सेवक थे, उनको पूर्ण रूपेण समर्पित और प्रारंभ से ही, यानी कि छोटी अवस्था से ही, जब वो छोटे थे तो उन पर श्री हरिदास ठाकुर की कृपा हुई। हरिदास ठाकुर गाहे बगाहे उनके घर आते थे और हरिदास ठाकुर जी के पास बैठकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु की कथाएं सुना करते थे। हरिदास ठाकुर उनको सुनाया करते थे और कालक्रम में उन्होंने अद्वैताचार्य जी के शिष्य यदुनंदन जी से दीक्षा ले ली, जो कि उनके वंश के ही गुरु थे। और हृदय में इतनी विरक्ति, इतना वैराग्य जागृत हो गया कि घर में मन लगना बंद हो गया, सिर्फ गौर हरि को प्राप्त करना है। गौरांग महाप्रभु से भेंट भी हुई शांतिपुर में, लेकिन गौरांग महाप्रभु ने कहा कि अभी समय नहीं हुआ है, जब समय होगा तो कृष्ण कृपा तुम पर हो जाएगी। एक और विकल्प निकाला,
पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए थे, तो पानीहाटी पहुंच गए कि चलो पानीहाटी में जाकर के और निताई चांद की कृपा ली जाए, क्योंकि बिना नित्यानंद प्रभु के गौर की प्राप्ति असंभव है। उन्हीं की कृपा से गौरांग महाप्रभु की प्राप्ति होगी और गौर प्राप्ति से ही राधा कृष्ण निकुंज सेवा अनर्पित चरी अवदान राधा दासम की प्राप्ति होगी। नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, लेकिन तो भी तुरंत घर कहाँ छूटा, वापस आए। कम से कम 11 पहरेदार उनके ऊपर पहरा देते थे कि ये कहीं निकल ना जाए दिन रात। और फिर हुई गुरु कृपा, उनके गुरुदेव आ गए और उन्होंने कहा कि मेरा मंदिर का एक पुजारी है जिसको मैंने सेवा दी है, वो आ नहीं रहा है 2-3 दिनों से, तुम्हारी बातें मान लेगा, तुम जाके उसे समझा दो तो वो आ जाएगा। रात को वो आके बोले। अब इतनी बड़ी बात बोल दी गुरुदेव ने तो किसी ने संदेह नहीं किया, 11 पहरेदारों ने संदेह नहीं किया, क्योंकि गुरुजी का आना जाना है, गुरुजी हैं, वंश के गुरुजी हैं, किसी ने संदेह नहीं किया और भेज दिया उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी जी चलने के लिए। गुरु कृपा से उनका बंधन टूटा और वो उन्होंने देखा पहली बार ऐसा मौका आया है, दोबारा नहीं आएगा, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, और श्रीमन महाप्रभु की तरफ वो चले गए। गुरु कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का 16 वर्षों तक दीर्घ काल तक साथ मिला। हमारे जितने भी गोस्वामी हैं उनमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ऐसे हैं जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रगाढ़ सामिप्य मिला और ऊपर से श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर मन को समझने वाले, हृदय को समझने वाले, उनके हृदय के प्रत्येक मर्म की व्याख्या करने वाले श्री स्वरूप दामोदर जी का साथ मिला, उनके साथ रहे वो उनके पुत्र और उनके भृत्य के रूप में, तो इतनी बड़ी कृपा हासिल हो गई। और वही जब श्रीमन महाप्रभु की अगर कृपा मिलती है और श्रीमन महाप्रभु में किसी का मन पूरा पूरा चला जाता है तो वही बात होती है कि उसका हृदय, उसके हृदय में अपने आप श्री राधा रानी के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, स्वतः प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रिया जी को समझने के लिए, प्रिया जी के दास्यम के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे श्री नरहरी ठाकुर जी जो अनन्य गौर भक्त रहे हैं खंडवासी, तो वो बार बार बोलते हैं ना कि अमार शयने गौरा स्वप्ने गौरा गौर नयन तारा, अमार जीवने गौरा मरणे गौरा गौर गलार हारा, बोलते हैं ना। वही नरहरि ठाकुर कालक्रम में गौर कृपा से ऐसे प्रिया जी के दासम में मत हुए कि बोले अमार शयनी किशोरी स्वप्ने किशोरी किशोरी नयन तारा, अमार जीवने किशोरी मरणे किशोरी किशोरी गलार हारा। तो महाप्रभु की कृपा के बगैर इतना उच्च अवदान राधा दास्यम की प्राप्ति असंभव है। तो वही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, अनावेद्याम पूर्वैरपि मुनि गणेर भक्ति निपुणे श्रुतेर गूढ़ाम प्रेमोज्ज्वल रसफलाम भक्ति लतिकाम कृपालुस्ताम गौड़े प्रभुरति कृपा भी प्रकटयन शचि सूनु किम में नयन शरणिम यास्यति पुनः। यानी पूर्व युग में, यानी गौर से पहले प्राक चैतन्य युग जब श्रीमन महाप्रभु नहीं आए थे धराधाम पर, पूर्व युग में भी भक्ति होती थी, भक्ति तो हमेशा ही होती रही है, लेकिन जो भक्ति निपुण मुनि गण थे वो भी जिनके विषय में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए,
पूर्व युग में भक्ति निपुण ऋषि मुनि गण भी जिनके विषय में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, श्रुति में भी जो अति निगूढ़ हैं, श्रुति में भी जो अति निगूढ़ हैं और उज्ज्वल मधुर प्रेम रस ही जिसका फल है, उज्ज्वल मधुर प्रेम रस फल ही जिसका प्रेम रस ही जिसका फल है, इस प्रकार भक्ति कल्पलता को, ऐसी भक्ति कल्पलता को जिन्होंने गौड़ देश में कृपा से भरकर प्रकाशित किया, कौन सी भक्ति कल्पलता? मंजरी भाव उपासना। गौरांग महाप्रभु के आने के बाद ही मंजरी भाव उपासना का पता चला, खुद आस्वादन किया और जारे तारे दिलोदान, किसी को भी, किसी की भी योग्यता अयोग्यता को नहीं देखा, जिसको भी जो भी मिला सबको दिया उन्होंने, किसी ने नहीं मांगा उसको भी दिया, देखते ही दिया। तो ऐसे परम दयालु श्री शशिनंदन, रघुनाथ दास गोस्वामी जी विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे परम दयालु श्री शचिनंदन क्या दोबारा मेरे नयन पथ पर गोचर होंगे, क्या दोबारा मैं उन्हें देख पाऊंगा कभी? देखिए कितनी लालसा, कितनी आकांक्षा, कितनी अभिलाषा है हृदय में कि भक्ति तो पहले भी थी लेकिन ऐसी मधुराति मधुर सुंदर भक्ति प्रिया प्रियतम की, श्री राधा रानी की दासी के रूप में अपने अभिमान को स्थापित करते हुए, ऐसी भक्ति पहले नहीं थी। ये तो गौर हरि का ही अवदान है, ये कौन कह रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी जी। तो श्रीमद् महाप्रभु ने हम लोगों को, विश्व के मानव को क्या दिया है? उन्नत उज्ज्वल प्रेम रस और उसका फल, उन्नत प्रिया प्रियतम के भजन से उन्नत, उससे ज्यादा उन्नत और कोई भजन नहीं है। श्रृंगार रस के अंदर ही समस्त रस समाहित है और जब तक श्रृंगार रस के भजन की प्राप्ति नहीं होगी, जीव आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होगा। अन्य भजन में आनंद है लेकिन पूर्णतम प्राप्ति जो श्री कृष्ण की है वो श्रृंगार रस के भजन में ही है। तो इसकी प्राप्ति असंभव थी। पहले के जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने शांत भाव में, दास्य भाव में, वात्सल्य भाव में ही भजन किया है भगवान का, है ना? लेकिन जो श्रीमन महाप्रभु आए, उनके आने के बाद एक आम आदमी भी, हम जैसे लोग कलिहत जीव जो सोच भी नहीं सकते थे इतने उन्नत और उज्ज्वल भक्ति रस को पाने के विषय में, उनको भी इसका संधान मिला। वरना ये कैसे होता कि हम लोग बैठकर श्री राधा रानी के मादनाख्या महाभाव की चर्चा करते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने जो अपनी प्रार्थनाओं में इतना कुछ अभिव्यक्त किया है लालसाओं को, अभिलाषाओं को प्रिया प्रियतम के चरणों में, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, हमारे ध्यान धारणा उपासना अर्चन वंदन स्मरण का वो अंग है, उसी के लिए सब कुछ है, उसी की प्राप्ति के लिए। और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी जीव आत्मा रस में सराबोर नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। तो गौर हरि की कृपा है। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो ये जो रहस्यमय भक्ति कल्प लता का जो संधान था, पहले भक्ति निपुण मुनि गणों को भी पता नहीं था, मतलब इतना मनन करते थे, इतना भजन करते थे, पर राधा दासी का अभिमान हृदय में नहीं जागृत होता था। होगा भी कैसे? प्रिया जी अपनी दासी बनाएंगी तब तो होगा,
प्रिया जी दासी के रूप में स्वीकार करेंगी तब तो होगा। और महाप्रभु कौन है? राधा रानी ही तो है, वही दे रहे हैं, वही बना रहे हैं, वही कृपा कर रहे हैं, वही स्वीकार कर रहे हैं, वही निकुंज सेवा दे रहे हैं। सब कुछ उन्हीं पर आधारित है। हमारी पूरी उपासना गौर के चरणों की उपासना है। गौर के चरणों से ही हमारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है। निकुंज सेवा, प्रिया प्रियतम का प्रेम, प्रिया प्रियतम के प्रति भाव, प्रिया जी के समस्त भावों की समझ, वो सब गौर हरि और उनके पार्षदों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है विश्व के मानव को, वरना यह संभव नहीं होता। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी बार बार महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उपलब्धि हो रही है किशोरी जी की, मुहर मुहर विलाप कर रहे हैं किशोरी जी के लिए। निज को राधा दासी के अभिमान में ही देख रहे हैं। हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा कि अरे जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु थे, नित्यानंद जी थे, गदाधर पंडित जी थे, हरिदास जी थे, ये सब थे गौर परिकर, तब मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ? अब तो जन्म हुआ भी तो लगता है जैसे देह का भार ही मैं ढो रहा हूं। अर्थात तब मैं उनकी पत्थर को गलाने वाली लीला देख पाता। आज तो सुन रहे हैं, सुनते हुए भी चित्त की शुद्धता की अपेक्षा है। चित्त अगर विषय में डूबा है, घर गृहस्थी में पूरी तरह डूबा है, वहां क्या गौर कथा छुएगी या क्या कृष्ण कथा छुएगी? नहीं स्पर्श करेगी। और जब तक स्पर्श नहीं करेगी तब तक कैसे बदलाव आएगा? स्पर्श होना जरूरी है ना। तो हरि नाम से ही वो योग्यता आएगी, सत्संग से ही वो योग्यता आएगी। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहा कि ऐसा मेरा विषय कुटिल मति हो गई है और ऐसा मेरा हृदय हो गया है कि सत्संग में मेरी रति नहीं हुई। इतनी उम्र हो गई लेकिन सत्संग में मेरी रति नहीं हुई। कोई मुझे सत्संग में ले जाता है तो वो ठेल के ले जाता है, चलो ना चलो ना, चिरौरी करके मिनती करके ले जाता है, रति ही नहीं हुई। तो किसे आर तरी बारे पर, तो तैर तो भवसागर से तरने का पथ कैसे मिलेगा मुझे, उम्र निकल गई। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पहले ऐश्वर्य ज्ञान युक्त वैदी भक्ति समेत भगवत उपासना करते थे, आज वो राग नुगा भक्ति का आशय ले रहे हैं। कौन? पहले तो मुनिगण करते थे, उनको तो ये सुयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो पहले के जमाने के जो मुनिगण थे तो उनके अंदर तो कोई इतना पाप वाप नहीं था ना, क्योंकि कलयुग नहीं था। अब तो कलयुग छाया हुआ है, दिन पे दिन कली की मार बढ़ रही है, दिन पे दिन मन उद्विन्न हो रहा है, हृदय यहाँ वहाँ भटकता है, लोगों में खुशियाँ ढूंढता है, लोगों से खुशियाँ प्राप्त करना चाहता है। पर इस भव सागर में जब हर कोई डूब रहा है तो कौन किसको उबारेगा, कौन किसका उद्धार करेगा? संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में गौर हरि इस उज्ज्वल रसात्मिका प्रेम भक्ति को हमारे लिए लेकर आए, प्रिया प्रियतम की लीलाओं को हमारे लिए उन्होंने जाहिर किया, खुद करके दिखाया, रो के दिखाया, सबको रुलाया। प्रिया जी का महाभाव क्या है, मोहनाख्य महाभाव क्या है, सब विप्लम रस में खुद उन्होंने आस्वादन करके दिखाया। प्रिया जी का महाभाव लेकर कृष्ण रस का आस्वादन करके बेहाल हो गए, विभोर हो गए, आनंदित तो हो गए, परम आनंदित की देह की सुध नहीं रही। और वो जानते थे कि कलिहत जीव जब तक इस ब्रज प्रेम को, ब्रज प्रेम कौन सा? श्रृंगार रसात्मक ब्रज प्रेम, प्रिया प्रियतम की निकुंज लीलात्मक ब्रज प्रेम को नहीं पाएगा, वहां दास्यम पद की प्राप्ति नहीं करेगा, तब तक वो सदा सर्वदा अस्थिर बना रहेगा, अस्थिर, स्थिरता नहीं आएगी।
चाहना पाना ही बना रहेगा, चाहना और पाना। गुरु जी के पास आएंगे, हरि नाम लेंगे, दीक्षा लेंगे तो अंदर भाव रहेगा कुछ मिल जाए, चाहना पाना है ना, वो तो साधारण ही कृपा है। गुरु जी की सेवा कर ली, गुरुवर्ग की सेवा कर ली और मन में कोई भाव रहा है काश ये हमारा हो जाता, और वो हो भी जाता है अक्सर, तो वो तो साधारण ही कृपा है। उन्नत कृपा क्या है? उन्नत कृपा है गौर चरण में प्रेम की प्राप्ति, युगल चरण में प्रेम की प्राप्ति। ये उन्नत कृपा किसको मिलती है? वो जो निकुंज में प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए प्राण भरकर क्रंदन करता है, जो गोस्वामियों के चरणों में पड़कर रोता है, जो निताई गौर के चरण कभी नहीं छोड़ता, हाहाकार करता है, उसी को ये प्राप्ति हो जाती है। उसे ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान की लीला नित्य है, वो तो अभी भी हैं, सुन रहे हैं। गोस्वामियों की नित्य लीला चल रही है, गुरुवर्ग की लीला नित्य है, सबकी लीला नित्य है, भगवत तत्व की लीला। तो परम रहस्यमय गोपियों की अनुगत्यमयी मधुर और श्रृंगार रस जातीय भक्ति का पहले किसी को समाचार ही नहीं मिला था, और गोपी शिरोमणि राधा तत्व और उनके जो परम महान मादनाख्या प्रेम का विषय, ये तो बुद्धि से बिल्कुल बाहर का विषय था, बुद्धि से एकदम बाहर का विषय था। जिन पर कृपा नहीं होती वो तो राधा तत्व कभी समझ ही नहीं पाते, है ना। लेकिन आज हमारी ध्यान का विषय है, उपासना का विषय है, बड़े बड़े परमहंस मुनियों की उपासना का विषय है श्री राधा कृष्ण श्रृंगार रस केली कथा, परमहंसों के ध्यान का विषय है। वो जो जगत से विरक्त हैं, जगत जिनके लिए है ही नहीं, जगत में भी देखते हैं तो कृष्ण कृपा ही देखते हैं, इसलिए जगत में भी कृष्ण को ही देखते हैं, उनके ध्यान का विषय है। तो चित्त की कितनी शुद्धि की आवश्यकता, कृष्ण इतर वासनाओं से कितना हटने की आवश्यकता, होगा कैसे? एक ही तरीका है, हरि नाम, अधिक से अधिक संख्या में हरि नाम को ग्रहण करना, अधिक से अधिक संख्या, नाम ही काम करेंगे, निरपराध भाव से नाम को लेना, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो ये जो महाप्रभु द्वारा प्रकाशित भक्ति लता यानी मंजरी भाव उपासना है, ये श्रुति में भी एकदम रहस्यमय है, गूढ़ अति गूढ़ है। अगर हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कृपा होती है, और रास पंचाध्यायी का श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, कृपा होती है, तो भी हम किशोरी जी के भावों को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कोई गौर चरण आश्रित परम भक्त, अनुभव प्राप्त भक्त उसको समझा नहीं देता, हृदय में प्रवेश करा नहीं देता, तब तक ये बात समझ नहीं आएगी। श्री कृष्ण की और प्रिया जी की कृपा हुई किस पर? उद्धव जी पर, उद्धव जी पर हुई ना। उद्धव जी साक्षात ज्ञान की ही मूर्ति, श्री कृष्ण के असीम प्रेमिक, लेकिन ब्रज जातीय प्रेम का कोई नामो निशान उनके अंदर नहीं था। ब्रज जातीय प्रेम का अर्थ है मदीयता, ये श्री कृष्ण मेरे हैं, वात्सल्य भाव में ये मेरे पुत्र हैं, सख्य भाव में मेरे ही सखा हैं, ये मेरे ही कांत हैं, मदीयता भाव में प्रिया जी का मंजिष्ठर आगे मेरे ही कांत है, ये सिर्फ मेरे हैं, मेरापन मेरे हैं, पर ये भगवान है ये वो नहीं जानते। ये बहुत बड़ा अंतर है, हम जानते हैं कि वो भगवान है, वो नहीं जानते कि वो भगवान है। अगर यशोदा मैया भगवान करके देखती श्री कृष्ण को, तो कभी भी श्री कृष्ण को वात्सल्य रस का आस्वादन नहीं करा सकती थी,
कभी भी मेरा बच्चा कह के उनका लालन पालन डांट डपट भर्सना अनुशासन नहीं कर सकती थी। भगवान के आगे ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। कभी वो बोलती भी नहीं कि तुम मक्खन मलाई खाओ, वो सोचती तो भगवान है जब चाहे योग माया शक्ति से अपना पेट भर लेगा, क्या आवश्यकता है मुझे कुछ करने की। तो वो तो कुछ नहीं करती ना, भगवान है। गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं भागी थी, श्री कृष्ण में उनका नित्य प्रेम है, वो भगवान नहीं जानती। भगवान करके जानती होती तो फिर तो किशोरी जी कभी भी मान नहीं कर पाती उनसे, भगवान है तो वो तो पूजनीय है। शिव जी आए उनके चरणों की रज लेने के लिए यहाँ पर, तो वो जान रही है कि ये भगवान है, अगर इनके पास हम इनकी उपासना करेंगे, आराधना करेंगे, सूर्यदेव की आराधना करेंगे तो कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो वो झुक गई, आप भगवान हैं। अगर कृष्ण कहते मैं भगवान हूं तो हंसी उड़ा देते हैं। चतुर्भुज रूप में आए तो उनके सामने, लेकिन उन्होंने तो हंसी उड़ा दी, प्रणाम किया, उन्होंने कहा कृष्ण का पता बताओ, कृष्ण कहाँ चले गए हमें छोड़ के। और प्रिया जी के आगे तो वो दो बाजू थे, दो बाहें, वो भी अंदर चली गई, वो भी सामने नहीं आ पाई। सोचिए, तो यहां ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, यहां पर क्या है, माधुर्य ज्ञान है। कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे कांत हैं, और हमारे लिए क्या है, महाप्रभु जी की कृपा से मेरे लिए क्या है, मेरे लिए है कि जो मेरी प्राणेश्वरी है वो राधा रानी है, और राधा रानी के प्राण कृष्ण है, इसलिए वो मेरे प्राणों के नाथ हैं। तार प्राणनाथ बोली भजिबो गिरिधारी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी। हमारे आचार्यों ने कुछ भी चीज छोड़ी नहीं है, सब कुछ हमें भर भर के दे दिया है, सब कुछ। कहीं जाने की, किसी से पूछने की, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ग्रंथों में सब कुछ है, गुरुदेव ने सब कुछ समझा दिया है। अंदर का एक छोटे से कमरे में भी अगर अनुशीलन करेंगे तो भी रस की प्राप्ति हो जाएगी। तो उद्धव जी पर कृपा हुई श्री कृष्ण की, और कृपा हुई प्रेममयी श्री राधा ठाकुरानी की। और जब कृपा हुई तो उन्होंने, वो इतने स्तंभित हो गए गोपियों का कृष्ण प्रेम देखकर, और खास तौर से प्रिया जी का कृष्ण प्रेम देखकर, उनकी दिव्योन्माद को देखकर, उनकी उद्घूर्णा चित्र जल्प को देखकर, ब्रह्ममय चेष्टा प्रलापमय बात को देखकर, वो इतने आनंदित और इतने संभ्रम संकोच में आ गए कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तृण गुल्म होना चाहता हूँ, मैं तृण गुल्म होना चाहता हूँ, ताकि ब्रज देवियों की चरण की धूलि का एक कण मुझे मिल जाए, उसके लिए तपस्या, जैसे पिछली बार बोली उन्होंने, ये डिक्लेयर किया श्रीमद् भागवतम में, और कोई कोई समझ पाता है इस बात को। उन्होंने कहा गोपियों का महात्म्य, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथन चाहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीर विमृज्ञाम, यानी कि ब्रज देवी गण मुकुंद सेवा करने की लालसा में जो दुस्त्यज स्वजन है और आर्यपथ हैं, और उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया और एक ऐसी पदवी को प्राप्त कर लिया कि जिस पदवी के द्वारा मुकुंद प्राप्ति होकर ही रहेगी, असमर्थ उपाय है। यानी बहुत मुश्किल है ना, त्याग बहुत मुश्किल है, लेकिन गोपियों ने कृष्ण के सुख के लिए अपने सुख को नहीं देखा, कृष्ण के सुख में ही अपना सुख देखा। उद्धव जी ये बात बोल रहे हैं कि इन्होंने मुकुंद को प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्मा जी नहीं प्राप्त कर सकते, जो शिव नहीं प्राप्त कर सकते, जो लक्ष्मी जी नहीं प्राप्त कर सकती, इतना उनका अपार रूप ऐश्वर्य, लेकिन लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं कर पाई। गोपी जन वल्लभ को, गोपी जन वल्लभ को नहीं प्राप्त कर पाई, लेकिन उसी चीज को प्राप्त कर लिया, उसी असमर्थ महिमा युक्त श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। किन्होंने? गोपियों ने। तो
ये जो चैतन्य महाप्रभु से पहले बहुत से कवि लोग आए, जयदेव जी आए, बिलमंगल जी आए, विद्यापति जी आए, चंडीदास जी आए, सबने तो गान किया है प्रिया प्रियतम का, बिल्कुल ठीक किया है और बहुत सुंदर गान किया है, लेकिन सखी भाव में किया है, समभावा, समभावा जो सखियों का भाव है प्रिया जी के प्रति और कृष्ण के प्रति, सखी भाव में। परंतु श्री राधा रानी की मैं दासी हूं, इस अभिमान की प्राप्ति उन्हें नहीं थी, क्योंकि तब गौर कृपा नहीं हुई थी। गौर कृपा के बाद ही इतना उच्च पदवी की प्राप्ति हुई है, तभी तो बार बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ये अनुभव कर रहे हैं कि ये जो मुझे मिल रहा है खजाना राधा कुंड में बैठकर, ये जो श्री राधा रस सुधा में मैं डूबा हुआ हूँ, ये जो मैं प्रिया जी का के लिए क्रंदन करता हूँ, और ये जो प्रिया जी मुझे स्फूर्ति में दर्शन देती हैं, हैं उनके उनकी सेवा करता हूँ, और सेवा करते हुए पूरे देह की सुध-बुध भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि दिन है कि रात है, सुबह कि शाम है, सब कुछ भूल जाते हैं। देह की सुध-बुध भूलनी होती है एक समय पर, भजन करते करते ऐसा समय आना चाहिए कि देह की सुध-बुध कभी ना कभी व्यक्ति भूल जाए, देह और दैहिक की, तो क्या सुध रहेगी उसे, वो मंजरी भाव, वो स्वरूप जो गुरुदेव ने दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही हूं, और वो चिंतन, सेवा का चिंतन करते करते प्रिया प्रियतम की माधुरी में डूबे डूबे ये ऊपर का ऊपर की देह कब खिसक जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और कब उस दिव्य देह में हम प्रवेश कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इतना सुंदर मौका, अवसर हम जैसे कलिहत जीवों को श्रीमन महाप्रभु की कृपा से मिला है। अब अगर कोई प्रश्न उठाए कि महाप्रभु से पहले जितने भी, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे अन्य कल्पों में जितने भी कलयुग भी क्यों ना हो, महाप्रभु से पहले जितने भी मुनि आए, ऋषि आए, अरे उनके चित्त तो कितने साफ थे, है ना, उनके चित्त तो निरपराध थे, उनमें कोई पाप नहीं था, ऐसे कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं था, ऐसे कोई मॉल कल्चर नहीं था, कुछ भी नहीं था जहाँ दिमाग बाहर जाए, तो उनको तो दिया नहीं महाप्रभु ने, उनको देते तो उनकी प्राप्ति होती, हम लोगों को कैसे दे दिया, हमने ऐसा क्या किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसका एकमात्र कारण है श्रीमन महाप्रभु के अंदर अतिशय मात्रा में कृपा है, वो कृपा ही एकमात्र कारण है, कृपा के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है, कृपा बहुत अधिक है उनके अंदर। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि अद्वैताचार्य जी ने मुझे बुलाया है कि यहाँ कलयुग कितना भयंकर रूप से पांव पसार रहा है, अगर आप नहीं आए तो जो बंगाल में जो अवस्था हो रखी है और जो बाहर अवस्था हो रखी है, लोग कुत्ते बिल्लियों की शादियां करते हैं और हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, यही उनके लिए मनोरंजन का एक साधन है, उस समय तो इंटरनेट नहीं था ना, तो और भी बहुत सारे मनोरंजन के साधन हैं, तो अगर, और ये अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इनका जीवन बर्बाद हो रहा है, ये भजन भक्ति कुछ नहीं करना चाहते, ये कृष्ण नाम को नहीं जानते, ये कृष्ण नाम लेना नहीं चाहते, अगर आप नहीं आए तो इनका उद्धार कैसे होगा, ब्रज जातीय प्रेम आप ही दे सकते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु प्रकट हुए तो अतिशय करुणा को लेकर प्रकट हुए, प्रिया जी का महाभाव लेकर प्रकट हुए, प्रिया जी का सुंदर वर्ण लेकर के प्रकट हुए, वो रंग, उनकी कांति, श्रीमन महाप्रभु की रक्षा करता था, जब वो मूर्छित होकर गिरते थे वो कांति रक्षा करती थी, प्रिया जी रक्षा करती थी कि मेरे कांत कृष्ण को चोट ना लगे, क्योंकि महाप्रभु ब्रजेंद्र नंदन है ना, प्रिया जी का महाभाव लेकर अवतरित हुए हैं, तो उसके द्वारा श्रीमन महाप्रभु ने जन जन पर अतिशय कृपा की, बिना ये देखे कि वो व्यक्ति कृपा के लायक है या नहीं। और ऐसे ही चूंकि महाप्रभु के महाचरण आश्रित है मेरे गुरुदेव, तो उन्होंने भी जन जन पर कृपा की, अपने अमूल्य बहुमूल्य ग्रंथ के रूप में, ग्रंथ देकर,
दीक्षा देकर गृहस्थों को, स्त्रियों को कौन दीक्षा देता था पहले श्री राधा कुंड में? बहुत मुश्किल से कोई देता हो तो देता हो, लेकिन गुरुदेव ने उस परंपरा को तोड़ डाला। स्त्रियों को, गृहस्थों को, अंग्रेजों को, सबको नित्यानंद प्रभु से जोड़ा, सबको इस मंजरी भावोपासना का अनमोल उपहार दिया। और ये गुरुदेव की ही वाणी है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु की स्वतंत्र कृपा और स्वतंत्र करुणा के द्वारा ही कलिहत जीवों का उद्धार संभव हो पाया। तो साधक चाहे कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, अगर उस पर भगवत कृपा हो जाती है तो वह भगवत कृपा अयोग्यता को नहीं देखती, ना योग्यता देखती है ना अयोग्यता देखती है। भगवत कृपा किसी पर भी हो सकती है। भगवत कृपा को पाने के लिए हम ये नहीं सोच सकते कि वो व्यक्ति तो बहुत जप तप करता है उसे मिलेगी ही, और ये व्यक्ति इसे तो कुछ आता नहीं। हो सकता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं इसे कुछ भी नहीं आता, उसे भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाए, वो आगे निकल जाए, श्री राधा रानी के महाभावों को समझ सके, प्रिया जी के लिए क्रंदन कर सके, गौर के लिए क्रंदन कर सके, है ना? तो कहीं कोई एक सेट रूल नहीं है, उनकी कृपा किसी नियम के अधीन नहीं है। देखिए हमारे जो महाजन हैं वो गौर सुंदर के लिए कहते हैं, जय जय शचिसुत गौरांग सुंदर, जय जय अनुराग भाव कलेवर, कहई ते गदगद आद आद बोल, प्रेमे गर गर मन आनंद हिलोल। कि गौर हरि स्वयं श्री राधा भाव में कृष्ण प्रेम का जब आस्वादन करते थे तो पूरा कृष्ण ये शब्द भी नहीं बोल पाते थे, जगन्नाथ नहीं बोल पाते थे, जग 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 मात्र इतना ही बोल के रह जाते थे, बोल ही नहीं पाते थे, गदगद हो जाता था उनका पूरा कंठ, अवरुद्ध हो जाता था उनका पूरा का पूरा कंठ, भाव में आ जाते थे। तो कही थे गदगद आद आद बोल, प्रेमे गर गर मन। अब प्रेम ही का स्वरूप है, प्रेम अवतार है, प्रेम प्रदायक अवतार है, प्रेम ही देने आए हैं, तो स्वयं तो पूर्ण मादनाख्या महाभाव से बने हुए हैं। उनकी आंखें, उनके नयन, उनकी नासिका, उनके कुंतल, उनके केश, उनका श्री विग्रह पूरा वपु, उनके श्री चरण कमल, श्री हस्त कमल सब महाभाव से बने हैं। प्रेम का जो सार है वह है महाभाव, प्रेम का सार भाव और भाव का सार महाभाव, और वो महाभाव में भी मादनाख्या महाभाव, और मादनाख्या महाभाव से निर्माण हुआ है गौरचंद्र का। तो उनकी अवस्था ऐसी, हरि भजन पहु करिलो निर्धारे, अतैव से महामंत्र जाचिलो सभारे। गौर हरि ने ही सबके लिए हरि भजन का निर्धारण किया कि महामंत्र का जाप करो, महामंत्र का कीर्तन करो, इसके बिना सिद्धि नहीं है, उपलब्धि नहीं है। नियम पूर्वक कि ठीक है 1,00,000 हरि नाम करना है, 2,00,000 हरि नाम करना है, 3,00,000 हरि नाम करना है, जिसकी जितनी समय जितना श्रद्धा, मगर बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए। नाम ही एकमात्र आधार है, क्यों? क्योंकि हमने गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिया है, हम नित्यानंद संप्रदाय में हैं, हम बहुत धनवान हैं, धनी हैं। तो गौर हरि ने जो नाम अपने श्री मुख से दिया है, यानी प्रिया जी ने जो नाम अपने श्री मुख से दिया है, वो है महामंत्र। उसके अंदर है युगल प्रेम समाहित, युगल इस महामंत्र में है। तो जो हरि नाम की दीक्षा किसी इस संप्रदाय में ले लेते हैं, खास तौर पे इस संप्रदाय में हरि नाम की दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने के साथ ही ये हरि नाम युगल प्रेम की तरफ चित्त की वृत्ति को मोड़ देता है। और बिना दीक्षा के जब हम हरि नाम ले रहे होते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र ही ले रहे होते हैं, तो चाहवा पावा की तरफ ध्यान रहता है, ये मिल जाता वो मिल जाता, ये करती वो करता, ये सब रहता है। तो हमारे महाजन बोलते हैं
से आज्ञाए निज निज भजन अनुसारे कतो कतो पात की पाइलो भव पारे। महाप्रभु की आज्ञा हुई कि महामंत्र का गान करो, महामंत्र का कीर्तन करो, महामंत्र का जाप करो। उस आज्ञा के अनुसार सबने अपना अपना भजन किया और भव सागर के पार हो गए, हुए, हो रहे हैं और होंगे। महामंत्र ही करेंगे क्योंकि महामंत्र स्वयं युगल सरकार हैं, श्री राधा कृष्ण हैं महामंत्र। तो पदकर्ता कहते हैं, मुई तो पापिष्ट अति ताहा ना मानिया, संसार सागर घोरे रहिलू पड़िया। पर मैं महापापी हूँ, महाप्रभु ने आज्ञा दी कि महामंत्र के श्री चरण मत छोड़िएगा। महामंत्र के श्री चरण बोला मैंने, महामंत्र स्वयं ठाकुर जी हैं, तो उनके श्री चरण भी हैं, उनका श्री मुख भी है क्योंकि भगवान से अभिन्न है। तो उनके श्री चरण को, महामंत्र के श्री चरण को कभी मत छोड़ना, लेकिन मैंने छोड़ दिया और संसार सागर में विषयों का चिंतन करते करते पड़ा हुआ हूँ। ए राधा मोहन कहे दंते तृण धरी, आमा उद्धार करो प्रभु दयाल गौर हरी। राधा मोहन जी कह रहे हैं कि मैं अपने को पशु समझता हूँ कि मैंने महामंत्र का आश्रय नहीं लिया और अब दांतों में तृण रख करके मैं श्री गौर हरी से उनके चरणों में यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे गौर हरी, मैं वंचित रह गया, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आप मेरा भी उद्धार कीजिए क्योंकि आपने कभी भी योग्यता का विचार किया ही नहीं। तो बड़ी सुंदर बात है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, श्रीमन महाप्रभु में ये जो कृपा शक्ति है, ये भगवान की समस्त स्वरूप शक्ति की निखिल चूड़ामणि है। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, उनकी संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादिनी शक्ति और उनकी कृपा शक्ति, जो संधिनी संवित सबका सार है, कृपा शक्ति वही सबसे मुख्य है, चूड़ामणि है। अगर मान लीजिए भगवान कृपा ही नहीं करते, अगर वो भक्त वत्सल ही नहीं होते, अगर वो प्रेम की वश्यता ही उनमें नहीं होती, तो हमें उनके 6 ऐश्वर्यों से क्या मतलब होता। अरे होंगे आप बहुत धनवान, बहुत यशस्वी, बहुत रूपवान, लेकिन हाँ पता चला कि आप बहुत कृपा करते हैं, योग्यता नहीं देखते, योग्य अयोग्य कुछ नहीं देखते, आप सिर्फ इच्छा देखते हैं। मेरी इच्छा हुई कि मुझे आपको पाना है, मेरी इच्छा हुई कि मुझे प्रिया प्रियतम के श्री चरण पाना है। तो भगवान की कृपा शक्ति जो गुरु के रूप में हमारे सामने आती है, महाप्रभु उसके द्वारा आत्मसात करते हैं समस्त भक्तों को और अपने आप को दे डालते हैं। यह है हमारे प्यारे श्रीमद् महाप्रभु, जिनके लिए राधा मोहन जी कह रहे हैं कि आप दयालु हैं तो मैं कैसे रह गया, मुझ पे भी दया कीजिए। तो गोपी जातीय प्रेमानंद जो है ना, एक बात बोली गुरुदेव ने कि ये जो कली जीव है ना, कलिहत जीव, उसके दुख से कातर हो करके देह अदेह कुछ नहीं सोचा, किसको देना है किसको नहीं देना है, और भक्ति भुक्ति और मुक्ति इस सुख को भी जो प्रेमानंद तुच्छ कर देता है। आज इंसान इसलिए भटक रहा है, चाहे वो कितना भी भोग कर ले, क्योंकि उसके पास भगवत प्रेमानंद नहीं है। भगवत प्रेमानंद ही भुक्ति और मुक्ति, यानी भोग और मोक्ष के सो कॉल्ड सुख को अति तुच्छ कर देता है, भगवत प्रेमानंद। और उसमें भी युगल प्रेमानंद, उसमें भी गौर प्रेमानंद की बात ही कुछ और है। ये प्रेम अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वो इससे इतना आनंदित हो जाता है कि वो भुक्ति मुक्ति की गंध से भी दूर भागता है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का यही तो हाल हुआ, वो मुक्तिदायक बोल नहीं पाए, वो बोल रहे हैं कि भक्ति प्रदायक है ठाकुर जी। मुक्ति शब्द उनके मुंह पर ही आना बंद हो गया। गौरहरि हंस रहे हैं, भाई श्लोक तो सही से बोल दो। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, अब मैं मुक्ति शब्द नहीं बोल सकता। तो मुक्ति की गंध से भी डरने लगते हैं, मुक्ति की तो बात ही कौन कहे।
जो सबसे पहले उपासना का एकमात्र विषय होता था, उसकी गंध से भी डर लगता है। तो प्रेमानंद और उसमें भी ब्रज जातीय प्रेमानंद और उसमें भी गोपी जातीय प्रेमानंद, उसकी बात ही अलग है। गोपी जातीय प्रेमानंद जिसको प्राप्त हो गया, सेई बड़ो महाभाग्यवान, उसी का नर देह धारण करना सफल है। बाकी सब तो ऐश्वर्य भाव का भजन है, और ऐश्वर्य भाव के भजन को करते करते अगर मुक्ति हो भी गई, दुख से निवृत्ति हो भी गई, तो भी क्या मिला? प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं। प्राप्ति क्या हुई? प्राप्ति तो है प्रिया प्रियतम के मधुरिमा की प्राप्ति, उनके रूप के माधुर्य की प्राप्ति, उनकी लीलाओं के माधुर्य की प्राप्ति, उनके सखी गण की माधुर्य की प्राप्ति। प्राप्ति तो गोपी भाव से ही हो सकती है, सर्वोच्च प्राप्ति। और ये हमें गुरु कृपा से, भगवत कृपा से प्राप्त है, हम सबको प्राप्त है, हम लोग वंचित नहीं हैं। गुरुदेव की कृपा सब पर राशि राशि होकर बरस रही है, सबको गुरुदेव अंगीकार कर रहे हैं, सबको प्रेम दान कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। गुरुदेव सब पर कृपा कर रहे हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि मैंने जब गुरुदेव को बोला, मैं तो नितांत अबला असहाय हूँ, कभी कोई वैष्णव संग नहीं किया, आपने तो मुझे आज्ञा दे दी, जाओ दीक्षा दो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अर्चन कैसे करते हैं, जो लिखा है बस उतना ही। गुरुदेव मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगी किसी को। तो गुरुदेव ने कहा तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे हूँ, तुम सिर्फ आगे बढ़ते चलो, पीछे से मैंने थामा हुआ है। जैसे एक बच्चा स्कूटी चला रहा है, दिख रहा है कि हाँ बच्चा चला रहा है, उसे लग रहा है मैं चला रहा हूँ, पर पता है कि पापा ने संभाला हुआ है, तो वरना धड़ाम से गिरेंगे। तो जिसने खुद को बोला कि हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भीड़ आएगी, बाबा आप देखो, तो उन्होंने कहा तुम चलते रहो, हम देखेंगे। और वो देख रहे हैं, सबको देखते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सबको ब्रज का आश्रय दे रहे हैं, सबको राग भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, सबके हृदय में ये भाव भक्ति रूपी धन दे रहे हैं। तो हम लोग वाकई बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव की कृपा से अछूते नहीं हैं। और गुरुदेव ने जो पहले भविष्यवाणी की थी कि ये हमारे ग्रंथों का प्रचार करेगी, तो मुझे समझ नहीं आया था कभी ऐसा कैसे होगा, कहाँ होगा, इस उम्र में कैसे होगा। फिर इतनी बड़ी सर्जरी हुई, उसके बाद तो असंभव है। एक महीने में उठा करके गुरुदेव ने अपने काम में लगा दिया, और अभी भी लगा रहे हैं। तो वो दौड़ाए जा रहे हैं, हम दौड़े जा रहे हैं, और आप भी मेरे साथ साथ चल रहे हो। हम सबके जो, हम सबको जिन्होंने संभाला हुआ है, वो आपके सामने हैं, पीछे मैं हूँ। तो इस तरह से हमारे प्यारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के लिए विलाप कर रहे हैं कि हाँ मैं प्रिया जी को पा गया हूँ तुम्हारी कृपा से ही। महाप्रभु तुम और श्री राधा रानी एक ही हो, लेकिन तो भी उन लीलाओं की याद आती है जिनका दर्शन मैंने किया, और उन लीलाओं के दर्शन को, और लीलाओं के दर्शन में जो छुपा हुआ दर्शन है, यानी जो रहस्य है, जो फिलॉसफी है, वो जो स्वरूप जी ने समझाया, दिखाया, उजागर कराया, वो इस हद तक कराया कि आज श्री चैतन्य चरितामृत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री स्वरूप दामोदर जी, इनके अनुभवों के कारण प्रकाशित हुए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इतना बड़ा महाधन लेकर के आए श्री रघुनाथ दास जी के कारण, तो कितनी कृपा है उनकी हम पर। और दिखेगी नहीं, दिखेगी तभी जब भजन करते करते चित्त शुद्ध होगा, तो देखने की शक्ति आ जाएगी। जब तक शुद्धि नहीं है, तब तक आसपास का माहौल दिखेगा, घर दिखेगा, शरीर दिखेगा, खाल दिखेंगे, बाल दिखेंगे, और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब देखने की शक्ति आ जाएगी, तो फिर उस हमारे गोस्वामी दिखेंगे, महाप्रभु दिखेंगे, वृंदावन धाम, वृंदावन में बैठ के वृंदावन धाम दिखेगा, और बाहर बैठे तो भी वृंदावन धाम दिखेगा। वो वृंदावन धाम कबे हम हेरी वो से ही श्री वृंदावन से ही, बोला है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। तो
महाप्रभु की कृपा हम सब पर रहे, हमारे गुरुवर्ग की कृपा हम सब पर रहे, इसी शुभकामना और प्रार्थना के साथ आज की भागवती कथा को यही विश्राम दिया जाता है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।